मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में जेटली ने सांसदों को जीएसटी बिल पर जानकारी दी है। बैठक के बाद संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि हम राज्यसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल ला रहे हैं। इस संबंध में सभी पार्टियों के साथ बात हो चुकी है। आपको बता दें कि जीएसटी बिल बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। खबर है कि इस बिल के समर्थन में कांग्रेस भी आ सकती है, हालांकि कांग्रेस की ओर से इसका ऐलान नहीं किया गया है। सरकार मंगलवार को ही बिल पेश करने का मन बना रही थी, लेकिन सोनिया गांधी की बनारस में रैली के कारण कांग्रेस के कहने पर सरकार ने बिल को एक दिन बाद पेश करने का निर्णय लिया। कश्मीर मुद्दे और भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के विरोध में आतंकी सरगना हाफिज सईद के प्रदर्शन की चेतावनी को पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने गंभीरता से लिया है। नवाज सरकार ने सार्क बैठक में शामिल होने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर इस्लामाबाद आ रहे राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा का मतलब ये है कि राजनाथ सिंह की सुरक्षा में पाकिस्तान के उच्च सुरक्षा दस्ते के कमांडर समेत लगभग 200 जवान तैनात रहेंगे। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की अध्यक्षता में सुरक्षा के मद्देनजर हुई एक अहम बैठक में ये निर्णय लिया गया। सामान्य तौर पर गृह मंत्री के दौरे के समय उनको मंत्री स्तर की सुरक्षा मिलती है, लेकिन सईद की चेतावनी के बाद साउथ ब्लॉक में पाकिस्तान गृह मंत्रालय से सुरक्षा का मामला उठाया था। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने पहलवान नरसिंह यादव को डोपिंग के आरोपों से बरी कर दिया है। नरसिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें भी ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी है। हालांकि नरसिंह डोपिंग के आरोपों से बरी हो गए हैं, लेकिन वे ओलंपिक में भाग ले पाएंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है। इसी संशय के बीच नरसिंह को अभ्यास भी करना है, क्योंकि क्लीन चिट के बाद उन्हें ही भारतीय कुश्ती संघ रियो भेजना चाहेगा। ऐसे में नरसिंह के पास बहुत कम समय है। उनका पहला मुकाबला 19 अगस्त को है। डोपिंग प्रकरण में नरसिंह यादव का नाम आने के बाद भारत की ओर से 74 किलोग्राम वर्ग में प्रवीण राणा का नाम भेज दिया गया था। अब उनकी जगह नरसिंह को भेजे जाने की इजाजत विश्व संस्था से चाहिए होगी। अगर संस्था से अनुमति नहीं मिलती है तो फिर नरसिंह का मामला एक बार फिर कर सकता है। दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रायल पर निकली सेमी हाई स्पीड टेल्को ट्रेन बारिश की वजह से लेट हो गई। तय समय के मुताबिक पहले इसे मंगलवार सुबह 10 बजे मुंबई पहुंचना था, लेकिन रास्ते में बारिश के चलते गुजरात के वापी के पास इसकी रफ्तार कम करनी पड़ी। इसके चलते लगभग 1.5 घंटे देरी से पहुंचने की खबर है। स्पेन की कंपनी टेल्को के डिब्बों वाली इस ट्रेन का दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रायल सोमवार शाम से शुरू हो गया है। शाम 7:55 पर ट्रेन नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के बीच रवाना हुई। टेल्को ट्रेन का ये तीसरा और अंतिम चरण का ट्रायल है। इस रूट पर इसकी रफ्तार अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। बुधवार यानी 3 अगस्त को मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए इसका ट्रायल किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस ट्रेन के जरिए मुंबई से दिल्ली के सफर में 4 घंटे की कटौती की जा सकेगी। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही विरोधियों ने बीजेपी और पीएम मोदी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल ने गुजरात के हालात के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया, जबकि आनंदीबेन को बलि का बकरा बताया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात के हालात के लिए आनंदीबेन के 2 साल नहीं बल्कि मोदी जी के 13 साल जिम्मेदार है। बलि का बकरा बीजेपी को नहीं बचा सकता। आनंदीबेन ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से हटना चाहती है। गुजरात कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि अगर वो इस्तीफा देना चाहती थी तो उन्हें 1 महीने पहले बताना चाहिए था। गुजरात में बीजेपी बेनकाब हो गई है। ये सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ड्रामा है और ये लोगों का ध्यान भ्रष्टाचार से हटाने के लिए किया गया है। राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। गुजरात की पहली महिला सीएम आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे देने की पेशकश के साथ ही चर्चा शुरू हो गई कि अब राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पिछले दिनों जिस तरह आनंदीबेन को सीएम पद से हटाए जाने की खबरों ने जोर पकड़ा था, तभी ये तय हो गया कि आनंदीबेन के नेतृत्व में 2017 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यही है कि आनंदीबेन का उत्तराधिकारी कौन होगा। सियासी गलियारे में इस पद के दावेदार के लिए कुछ नामों पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के रेस में सबसे ऊपर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपानी का नाम लिया जा रहा है। दरअसल विजय रूपानी के लिए कहा जाता है कि संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है।
वहीं दूसरा नाम नितिन पटेल का आ रहा है। नितिन पटेल एक तो पाटीदार समुदाय से आते हैं, साथ ही वो लंबे वक्त से सरकार में मंत्री बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में कहा कि सऊदी अरब में बेरोजगार हुए 10,000 भारतीय श्रमिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है। वो शिविरों में उन्हें भोजन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह आज सऊदी अरब जाएंगे। सुषमा स्वराज ने कहा, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि सऊदी अरब में बेरोजगार हुआ कोई भी श्रमिक भोजन के बिना नहीं रहेगा। मैं घंटे घंटे स्थिति की निगरानी कर रही हूँ। मैं संसद को ये बताते हुए संतोष महसूस कर रही हूँ कि सभी 5 शिविरों में अगले 10 दिनों के लिए राशन वितरित कर दिया गया है। हालांकि ये समस्या का स्थायी हल नहीं है। फैक्ट्रियां बंद कर कंपनियां भाग गई हैं। हम अपने श्रमिकों को वहां नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने उनके विदेश विभाग और श्रम विभाग में संपर्क किया है। हमने वहां के विदेश विभाग से कहा है कि वे श्रमिकों को सऊदी अरब से वापस लाने के लिए हमको अधिकृत करें। 22 जुलाई को बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गायब हुए AN-32 विमान का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। विमान की तलाश में जुटे बचाव दल के मुताबिक अधिकतर विमानों में पानी के नीचे होने पर उसका पता बताने वाला यंत्र अंडर वाटर लोकेटर लगा होता है, लेकिन ये यंत्र इस विमान में नहीं लगा है, जिसकी वजह से इसे खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। विमान की तलाश में जुटे बचाव दल के मुताबिक अधिकतर विमानों में पानी के नीचे होने पर उसका पता बताने वाला यंत्र अंडर वाटर लोकेटर लगा होता है, लेकिन ये यंत्र इस विमान में नहीं लगा है, जिसकी वजह से इसे खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। खोजबीन में लगे बचाव दल के मुताबिक 29 सैन्य अधिकारियों को ले जा रहे विमान AN-32 के बंगाल की खाड़ी में समा जाने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक सैनिकों व रक्षा सामग्री ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले इस विमान में पानी के नीचे रहने पर पता लगाने वाला यंत्र नहीं लगा था। रक्षा सूत्रों का कहना है कि विमान की तलाश में पनडुब्बी जहाज और अन्य कई चीजें लगी हुई हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर अजीबोगरीब बयान दिया है। नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि बिहार में शराबबंदी करने का मतलब बिड़नी के छत्ते में हाथ डालना है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि शराबबंदी के मसले पर वो अडिग है, किसी भी सूरत में बिहार को नशा मुक्त राज्य बनाकर ही दम लेंगे। नीतीश कुमार को शराब माफिया की मजबूत लॉबी से कड़ी टक्कर मिल रही है। उन्होंने कहा कि नए संशोधित कानून में कुछ और बातें जोड़ी गई हैं, ताकि इस कानून को सख्त बनाया जा सके और शराब की तस्करी पर लगाम लग सके। उन्होंने अपने इस मुहिम को समाज सुधार की तरफ बढ़ता कदम बताया। बुलंदशहर गैंगरेप का पीड़ित परिवार शर्मिंदगी और लोक लाज के कारण खोड़ा स्थित घर छोड़ दिया। पीड़िता किशोरी के पिता, जो ओला कैब चालक है, उन्होंने बताया कि घटना के बाद जब वे यहां पहुंचे तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे घर जाएं। घर जाकर वे अपने पड़ोसियों से आंख कैसे मिलाएंगे। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद जब वे अपने एक दोस्त के घर गए तो उनके दोस्त ने उन्हें व उनके परिवार को अपने घर पर पनाह देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि मौजूदा समय में वे अपने एक जानने वाले के यहाँ ही रुक रहे हैं। घटना से सहमी उनकी बेटी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, उसकी हालत काफी गंभीर है। वही पीड़िता के पिता आरोपियों पर सख्त कार्रवाई ना होने पर पुलिस को खुदकुशी का अल्टीमेटम दिया है। नौकर से अप्राकृतिक सेक्स करने के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी पर भोपाल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। राघव जी पर धारा 377 और 506 के तहत मामला चलाने के आदेश दिए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की गई है। राघव जी ने 2013 में अपने सरकारी आवास में रहने वाले युवक के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया था। इस घटना की सीडी सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। सीडी सामने आने के बाद राघव जी को इस्तीफा देना पड़ा था। मामले के उजागर होने के बाद राघव जी के साथ शिवराज सरकार की भी खूब किरकिरी हुई थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कार्रवाई में देरी को लेकर उंगलियां उठी थी। बाद में शिवराज ने उनसे इस्तीफा लेकर विवाद से किनारा कर लिया था, जिसके बाद राघव जी की गिरफ्तारी को हिफिसा से हुई थी। लोकेश राहुल के बाद अजिंक्य रहाणे के शानदार शतक के दम पर 300 से ज्यादा की बढ़त बनाने के बाद टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी घोषित कर दी है। तीसरे दिन के खेल होने से पहले उमेश यादव का विकेट गिरते ही लगातार बारिश के कारण मैच में बाधा पड़ गई और भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 500 रन पर घोषित कर दी।
टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 304 रनों की बढ़त मिली है। आज के खेल में रहाणे ने भी शानदार शतक ठोक दिया। उन्होंने चौके से ये शतक पूरा किया। वे 108 रन बनाकर नाबाद रहे। विंडीज की ओर से रोस्टन चेस ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट झटक लिए। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने बताया कि तुरंत प्रभाव से सभी मॉडल की कीमतों में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले जुलाई महीने में कंपनी की कुल बिक्री में 12.7% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने इस दौरान 1,37,116 कारों की बिक्री की, जबकि पिछले साल इसी महीने में कुल 1,21,712 की बिक्री हुई थी। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल रिपोर्ट में कहा कि जुलाई में कंपनी ने अब तक की सर्वाधिक घरेलू बिक्री की, जो कि कुल 1,25,778 इकाई की रही, जो कि पिछले साल के इसी महीने की कुल 1,10,405 इकाई के मुकाबले 13.9% अधिक है।